हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम एमसीबी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको ये टॉपिक के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप कौन से पॉइंट्स लिखोगे, कौन से डायग्राम्स बनाओगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्यूज क्या चीज होती है, वो कैसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे होम अप्लायंसेस को ओवरलोड कंडीशन से और शॉर्ट सर्किट कंडीशन से। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि फ्यूज के अंदर एक फ्यूज वायर आता है और वो वायर में से जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तब वो वायर पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। तो ऐसा एक्सेस करंट आगे हमारे जो अप्लायंसेस है उसमें जाता नहीं है, हमारे अप्लायंस डैमेज होने से बच जाता है। तो बच्चों, यहां पे फ्यूज में एक प्रॉब्लम है। क्या? कि फ्यूज में ये प्रॉब्लम है कि आफ्टर ईच एंड एवरी ऑपरेशन वी हैव टू चेंज द फ्यूज वायर। यानी क्या कि एक बार फ्यूज वायर जल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा। दूसरा ऑपरेशन हुआ यानी वापस एक्सेस करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, वापस वो फ्यूज वायर जल जाएगा, आपको दूसरा आपको फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये एमसीबी हमें देता है। तो एमसीबी क्या चीज है बच्चों, के इट इज अ ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच। ये एक ऑटोमेटिक स्विच है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को सेंस करके ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो जब भी सर्किट के अंदर ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो तब ये एमसीबी क्या करेगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। कैसे? स्विच को ट्रिप करके। और इस तरीके से ये एमसीबी हमारे होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्शन देती है। अब ये बात आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, यहां पे लिख के रखा है एमसीबी इज एन ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच अंडर ओवरलोड एंड इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। जब ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तभी ऑपरेट होगी और उससे सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, यूज टू सिक्योर अवर हाउस होल्ड अप्लायंसेस टू हैवी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड करंट। ठीक है, अच्छा अब ये अगर मैं एमसीबी आपको बताना चाहूं तो कुछ इस तरीके की ये एमसीबी दिखती है, शायद आपको दिख रहा हो। यहां पे एक स्विच देके रखा है यहां पे, और यहां पे से हम इसे फेज वायर यहां से पास करेंगे, यहां से न्यूट्रल वायर पास करेंगे। ठीक है, शायद आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, अब फेज वायर और न्यूट्रल वायर पास कर दिया। अब जब यहां में ये जो एमसीबी है इसमें से जब एक्सेस करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है तो ये स्विच ऐसे करके यहां से ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये एमसीबी इसलिए यूज होता है कि कोई भी ओवरलोड हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तब ये एमसीबी इसे ट्रिप कर देती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे ये स्विच जो है ऑटोमेटिक ऐसे करके ट्रिप हो जाती है, कैसे ये ओवरलोड को सेंस करती है, कैसे शॉर्ट सर्किट को सेंस करती है, और सेंस करने के बाद ये जब ट्रिप हो जाएगी तो कैसे सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो उसी के लिए ये जो हमारी एमसीबी है दो प्रिंसिपल का यूज करती है। पहला प्रिंसिपल है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा है मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन देख लेते हैं, कैसे ये ट्रिप होती है स्विच ओवरलोड होने पर। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल दिया है। फेज यानी ऐसा टर्मिनल जिसमें से करंट फ्लो होता हो, न्यूट्रल यानी ऐसा टर्मिनल जिसमें करंट नहीं होता हो। तो यहां से बच्चों करंट आया फेज वायर में से। अब ये जो है ये है बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप यानी क्या, हमने दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप ली और दोनों को हमने चिपका दिया, वेल्डिंग कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे बाई मेटालिक स्ट्रिप। और दोनों के थर्मल एक्सपांशन रेट अलग अलग है। अब थर्मल एक्सपांशन रेट अलग अलग है यानी क्या, जैसे कि ये जो नीचे वाला स्ट्रिप है वो 50 डिग्री पे 10 एमएम बढ़ेगा, लेकिन ये ऊपर वाला स्ट्रिप जो है वो 50 डिग्री पे सपोज 3 एमएम ही बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, बाद में देखते हैं। अब यहां से करंट निकला तो ये जो बाइमेटालिक स्ट्रिप है यहां से करंट फ्लो हुआ, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट को हम कॉन्टैक्ट बोलेंगे। कॉन्टैक्ट में से करंट ये हमारा जो लोड है या फिर हमें बल्ब को ग्लो कराना है तो लोड में से पास हुआ, वापस ये कहां चला गया, न्यूट्रल में चला गया, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अच्छा अब ओवरलोड की कंडीशन आई यानी एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो क्या होगा, यहां पर देखते हैं। यहां से एक्सेस करंट फ्लो हुआ, अब ये एक्सेस करंट कहां गया, बाई मेटालिक स्ट्रिप में। अब अगर एक्सेस करंट जाता है तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि अब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर बाई मेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये स्ट्रिप का थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। तो थर्मल एक्सपांशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा,
ऐसे करके ये स्ट्रिप क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे का पोर्शन ऐसे करके ये स्ट्रिप कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये स्ट्रिप ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रिप अगर जब ऐसे हो गई तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा लेकिन ये स्ट्रिप में फ्लो होगा। अब स्ट्रिप और ये कॉन्टैक्ट जो है उसके बीच में क्या है, ओपन सर्किट है, यानी अब ये जो करंट स्ट्रिप में है वो ये कॉन्टैक्ट में से यहां लोड में जा नहीं सकेगा, तो हमारा जो बल्ब है या होम अप्लायंसेस है वो एक्सेस करंट से बच जाएगा, ठीक है। और ये जब बच्चों स्ट्रिप डिफ्लेक्ट होगी तो यहां पे ऐसा एक ट्रिप लीवर होता है, ये ट्रिप लीवर को ये उठाएगी ऊपर, अभी तो आप नहीं देख सकते लेकिन यहां पे मैं देखूं तो यहां से ऐसे ट्रिप लीवर को उठाएगी, ट्रिप लीवर उठेगा यानी ये पोर्शन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा और ये पोर्शन नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये ट्रिप लीवर जो है ट्रिप स्विच को स्ट्राइक करेगा, उसे धक्का मारेगा, तो स्विच ट्रिप हो जाएगी, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको लिखनी है। और अच्छा, दूसरी एक बात बताना भूल गया, ये जो सारी मैकेनिज्म है उसे हम लैच मैकेनिज्म बोलते हैं। अब कैसे लिखोगे, थर्मल ऑपरेशन इज अचीव बाय बाइमेटालिक स्ट्रिप विच रिफ्लेक्ट एनी हैवी ओवरलोड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इन डूइंग सो रिलीजेस द लैच मैकेनिज्म एंड कॉज द कॉन्टैक्ट ओपन, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, लैच मैकेनिज्म को रिलीज कर दिया, इट हैज इनवर्स टाइम करंट प्रॉपर्टी। अब इनवर्स टाइम करंट प्रॉपर्टी यानी क्या, इनवर्स टाइम करंट यानी मैं यहां पे लिखूंगा ये टाइम है और ये इनवर्स है और करंट का मैं आई बना देता हूं, ठीक है। यानी ये क्या बोलना चाहता है, इनवर्स टाइम करंट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर करंट ज्यादा होगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो इसका हीटिंग भी बहुत ज्यादा होगा, अगर हीटिंग ज्यादा होगा तो इसका एक्सपांशन तुरंत हो जाएगा यानी ये बहुत ही कम सेकंड में स्विच को ट्रिप कर देगा, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर करंट कम हुआ तो करंट कम हुआ तो इसका हीटिंग कम होगा, इसका एक्सपांशन धीरे धीरे होगा तो बहुत टाइम लगाएगा ये ट्रिप करने में, शायद आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये यही मैंने लिख के रखा है, ग्रेटर द करंट शॉर्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एमसीबी। अच्छा, अब जो दूसरा इसका प्रिंसिपल है वो समझते हैं, मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। पहले तो ओवरलोड का देख लिया हमने, अब मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहां पे भी हमने एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया, फेज में से करंट निकला, ठीक है, निकला यहां गया, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ये हमारा प्लंजर है, कॉन्टैक्ट में से प्लंजर में गया, प्लंजर से करंट निकलता हुआ कहां गया, सीधा लोड यानी कि अप्लायंसेस में गया, बल्ब ग्लो हो गया, बाद में करंट निकल के कहां चला गया, न्यूट्रल में चला गया, एकदम नॉर्मल कंडीशन है, ट्रिप नहीं हुई अभी स्विच, ठीक है। अब जब शॉर्ट सर्किट होगा यानी एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जब एक्सेस करंट यहां से फ्लो होगा तो बच्चों कुछ करंट, ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड में से पास होगा। अब जब करंट सोलेनॉइड में, यहां तो करंट जा रहा है, सोलेनॉइड में से जब करंट पास होगा तो आपको मालूम है सोलेनॉइड यानी क्या, एक वायर, वाउंडेड वायर। अब अकॉर्डिंग टू द फैराडेस प्रिंसिपल, अगर वायर में से करंट फ्लो कराते हो तो क्या होगा, ये वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी ये सोलेनॉइड एनर्जेटिक हो जाएगा। अब अगर सोलेनॉइड के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो ये सोलेनॉइड क्या करेगा, ये प्लंजर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अगर इसने अपनी तरफ खींचा तो ये जो प्लंजर है बच्चों, ये प्लंजर यहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लंजर पीछे आ गया तो यहां से जो करंट निकला, बस यहां से करंट आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, और हमारा जो शॉर्ट सर्किट यानी एक्सेस करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, बल्ब में से हमारा बल्ब बच जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि यहां पे एक और ट्रिप लीवर हमने लगा के रखा है, जब ये मैग्नेटाइज होगा करंट जाएगा, मैग्नेटाइज होगा इस पे एट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जब प्लंजर पीछे आएगा तो ये प्लंजर किसको धक्का देगा, ये ट्रिप लीवर को देगा, यानी ये जो ट्रिप लीवर है कैसे जाएगा, पीछे जाएगा, ये पीछे गया तो ये आगे जाएगा, और ये जो हमारा लीवर है ये एमसीबी की जो स्विच है उसको स्ट्राइक करेगा तो ट्रिप हो जाएगा, कॉन्टेक्ट चला जाएगा, ठीक। अब यही बात आपको लिखनी है कैसे, व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर्स राइजिंग करंट एनर्जाइजेस द सोलेनॉइड ऑपरेटिंग प्लंजर, ये प्लंजर टू स्ट्राइक द ट्रिप लीवर, ये हमारा ट्रिप लीवर, कॉजिंग इमीडिएट रिलीज ऑफ लैच मैकेनिज्म, यानी कॉन्टेक्ट चले गए। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत जगह पे यूज होता है लेकिन लिखने के लिए क्या लिखोगे, होम्स, ऑफिस, शॉप, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, आप देख लेना। एडवांटेजेस क्या है, इजी आइडेंटिफाई फॉल्ट जोन, सिंपल टू रिज्यूम सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकली सेफर, मोर सेंसिटिव टू करंट देन फ्यूज, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका डिसएडवांटेज एक ही है, क्या, ये डिवाइस जो है बहुत महंगी आती है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्यूज और ये एमसीबी दोनों का डिफरेंस। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।